नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। बान ने शरीफ से कहा, पाकिस्तान और भारत को सुलझाना चाहिए कश्मीर विवाद। कश्मीर का मुद्दा सुलझाने के लिए पाकिस्तान की ओर से संयुक्त राष्ट्र संघ में बार बार अनुरोध किए जाने पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से कहा कि पाकिस्तान और भारत को कश्मीर समेत अपने लंबित मुद्दे वार्ता के जरिए सुलझाने चाहिए। बान की टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब शरीफ ने उन्हें कश्मीर में भारतीय बलों द्वारा किए जा रहे मानव अधिकार के कथित उल्लंघनों से जुड़ा एक डोजियर सौंपा है। बान के प्रवक्ता ने बताया कि महासचिव ने पाकिस्तान और भारत द्वारा कश्मीर समेत सभी लंबित मुद्दों को वार्ता के जरिए सुलझाए जाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के और पूरे क्षेत्र के हित में है। रक्षा मंत्री पर्रिकर बोले, उड़ी में हुई थी चूक। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने उड़ी हमले के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में सुरक्षा चूक को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि उड़ी में हुई गलतियों की जांच कराई जाएगी। उन्होंने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि संभव है कि उड़ी में कुछ गलती हुई हो, लेकिन ये संवेदनशील मामला है और मेरा मानना है कि किसी भी मामले में चूक नहीं होनी चाहिए। इस गलती का पता लगाया जाएगा और एक देश के रूप में हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ये गलती बार बार न दोहराई जाए। मैं ये सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाऊंगा कि दोबारा गलती न हो। पाक ने किया आतंकी का महिमा मंडन, भारत ने लगाई फटकार। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारत ने उसे तथ्यविहीन और धमकी से भरा बताया और कहा कि उनके द्वारा विश्व मंच पर हिजबुल कमांडर बुरहान वानी का महिमा मंडन पाकिस्तान द्वारा आत्म दोषारोपण का कृत्य है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में शरीफ के भाषण के बाद विदेश राज्य मंत्री MJ अकबर ने कहा कि हमने अभी अभी धमकियों और बढ़ती अपरिपक्वता और तथ्यों की अवहेलना से भरा पूरा भाषण सुना। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान सरकार की ब्लैकमेल करने की रणनीति के आगे नहीं झुकेगा, जो लगता है कि आतंकवाद का इस्तेमाल नीति के तौर पर करने को उत्सुक है।